खुदा ना हास्ता बंदा उस दुनिया में चला गया, खुदा ना हास्ता, अल्लाह ना करे अल्लाह इस सारी महफिल को जन्नतुल फिरदौस में कायम फरमाए। अगर खुदा ना हास्ता जिंदगी का मकसद ना समझा, उस ठिकाने में पहुंच गया जो अजाब वाला है, जो दर्दनाक है, जो आग वाला है, पता क्या कहेगा? इंसान की पहला मुकालमा उदऊ रब्बकुम, इंसान जहन्नुम के जो दरोगे हैं ना उनको पुकारेगा, हजानती जहन्नुम को, उदऊ रब्बकुम युखफ्फ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब। और लोगों, डराने की इस तरह की आयतों से बड़ी कोई आयत नहीं हो सकती। अल्लाह के लिए अल्लाह से डर जाओ, वो बड़ा रहम दिल है, एक दफ़ा उसकी तरफ चल के जाओ वो दौड़ता हुआ आएगा, करके तो देखो, अल्लाह के लिए कुछ मेहनत करो तो सही, स्ट्रगल शुरू तो करो, इब्तदा तो करो। अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं होगे, मायूस नहीं होगी। हाँ, उस दुनिया में चले जाने के बाद हसरतें हसरतें हैं, मायूसी ही मायूसी है, ना उम्मीदी ही ना उम्मीदी है। जहन्नुमी जहन्नुम में जाने के बाद तंग आ जाएंगे, इधर जिल्द जली, इधर जिल्द नहीं आ गई, इधर जिल्द जली, इधर जिल्द नहीं आ गई, हर मरतबा पहले से ज़्यादा तकलीफ। पुकार उठेंगे, उदऊ रब्बकुम युखफ्फ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, ए जहन्नुम के दरोगो, ए हज़ानती जहन्नुम, अपने रब से कहो एक दिन, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, सिर्फ एक दिन का अज़ाब हमारे से टाल दे। जहन्नुम के फरिश्ते पता नहीं कितना अरसा उनकी ये पुकार सुनेंगे। लोगों, बेबसी का आलम देखो, बेकसी का आलम देखो। अल्लाह हम सबको उस दिन से महफूज रखे जब जहन्नुमी बेबस होके कहेंगे सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दो, एक दिन की रेस्ट दे दो, अदाब में एक दिन की तफवीफ कर दो, हम जरा थोड़ी थकावट दूर कर लें, हिम्मत जुटा लें, फिर अल्लाह अदाब देना शुरू कर दे। फरिश्ते जवाब में कहेंगे रसूल आए थे, मौलवी आया था, मुबल्लिग आया था, कान में बात पड़ी थी कि एक रब है जिसके सामने पेश होना, हाँ ये बात पड़ी थी, ये बात पड़ी थी, अल्लाह झूठ नहीं बोल सकते। फरिश्तों को कहेंगे हाँ हाँ ये बात तो सुनी थी, एक रब है जिसके सामने खड़ा होना है, जिसको हिसाब देना है, फिर क्यों बकवास करते हो? वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी जलाल। फरिश्ते कहेंगे पुकारो पुकारो, जितना चीहना है चीहो, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, आज तुम्हारी दुआ सुनने वाला कोई भी नहीं। तंग आ जाएंगे, तंग आ जाएंगे, एक अरसा बीत जाएगा, कहेंगे या मालिक या मालिक या मालिक लियक्ज़ी अलैना रब्बुक। कुरान पाक की आयत है, यहां पे मालिक अल्लाह को नहीं कह रहे होंगे। जहन्नुम का जो दरोगा है, इन 19 फरिश्तों का जो सरदार है उसका नाम मालिक है, इन हज़नती जहन्नुम को वो पुकार चुके, इन्होंने तो साफ जवाब दे दिया। क्या कहेंगे? या मालिक लियक्ज़ी अलैना रब्बुक, ए मालिक, जहन्नुम के दरोगों को पुकारा, उनसे एक दिन की छुट्टी मांगी, एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिली, ए मालिक लियक्ज़ी अलैना रब्बुक, अपने रब से कह छुट्टी नहीं देता, हमें एक ही मर्तबा जितना अदाब देना दे दे, उसके बाद हमें मौत आ जाए। या मालिक लियक्ज़ी अलैना रब्बुक, अल्लाह को कह बस कर दे, अब हमें मौत दे दे। मालिक कितने अरसे बाद जवाब देगा? मुफस्सरीन ने लिखा पता नहीं 40 बरस, पता नहीं 1000 बरस, कितने हजार बरस के बाद पुकार का जवाब आएगा। मालिक कहेगा तुम्हारे रब से बात हुई है, तुम्हारे रब ने फैसला सुनाया है, तुम्हारे रब ने ऑर्डर जारी किया है। क्या ऑर्डर जारी किया है, क्या फैसला सुनाया है? इन्नकुम माकिसून, तुम्हारे ऊपर कभी मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। जहन्नुमी इस जवाब को सुन के दहशत ज़दा रह जाएंगे, मौत को मुजस्सम हालत में मेंढे की शक्ल में उनके सामने लाकर ज़बा कर दिया जाएगा। अब कोई मौत नहीं, और अगर मौत बाकी होती ये मंजर देख के जहन्नुमी गम से मर जाते। और जब हज़नती जहन्नुम को पुकार पुकार के थक जाएंगे, जहन्नुम के खाजन फरिश्ते दरोगे सरदार मालिक को पुकार के थक जाएंगे, आपस में कंसल्ट करेंगे,
क्या हो गया हमारी कोई नहीं सुनता। और यार रब को पुकारते हैं, रब्बाना रब्बाना अखरिजना मिनहा अखरिजना मिनहा। लोगों डर जाओ, उस दिन से जब हर जहन्नुमी की एक ही पुकार होगी, रब्बाना अखरिजना मिनहा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। ए अल्लाह ए हमारे रब, हदनती जहन्नम नहीं सुनते, मालिक नहीं सुनता, अखरिजना मिनहा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। एक मर्तबा इधर से निकाल दे, फिर एक लाख बरस नहीं, एक करोड़ बरस की जिंदगी दे, एक अरब बरस की जिंदगी दे, 10 अरब बरस की जिंदगी दे, एक लम्हा भी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। रब्बाना अखरिजना मिनहा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। अल्लाह तेरे से वादा करते हैं एक मर्तबा बाहर निकाल के भेज दे, बाहर निकाल के दुनिया में वापस भेजना है, यहाँ पे इबादत करवानी है। अगर दोबारा एक जिंदगी में भी गुनाह किया, एक मर्तबा भी दोबारा यहाँ पे पलटने का इरादा किया, हमें जालिमों में शुमार कर ले। अल्लाह कितना अरसा उनकी पुकार को सुनेगा। अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह ने तुम्हें आज मौका दिया, आज अल्लाह हर गुनाहगार की सुनने को तैयार है। जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, जमीन से लेके आसमान तक गुनाहों के ढेर लगाए बैठा है, इस मजलिस में बैठा है, सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह के सामने आके कह दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, रब आज सुनेगा। रब तुझे माफ ही सिर्फ नहीं करेगा, तेरे सारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। और क्यों नहीं कहते, अल्लाह हमें मुआफ कर दे, ऐ अल्लाह हम सबको मुआफ फरमा। एक मर्तबा कहने पे तेरे रब की रहमत जोश में आती है, माफ करने वाला है। इन जहन्नमियों की पुकार सुनने के बाद अल्लाह कहेगा, इख्साऊ फीहा वला तुकल्लिमून। ये अल्लाह की शटअप कॉल होगी, जहन्नमियों को कहेगा अल्लाह दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वला तुकल्लिमून, आज के बाद तुम्हें अपने रब से गुफ्तगू करने की भी इजाजत नहीं। जहन्नमी अल्लाह का यह जवाब सुन के चीहो पुकार में मसरूफ हो जाएंगे, शैतान लईन के पास जाएंगे, कहेंगे तू बड़ा, तेरा बेड़ा गरक हो, तूने बर्बाद कर दिया, तूने हमें कैसे कैसे धोखे दिए, तूने शिरक के कैसे कैसे रास्ते दिखाए, तूने बिदात के कैसे कैसे रास्ते दिखाए, हम बर्बाद हो गए, हम उजड़ गए। शैतान उसके जवाब में क्या कहेगा, फला तलूमूनी, मुझको मलामत करते हो, लूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो, तुम्हारे रब ने तुम्हें साफ बतला दिया था, शैतान का वादा झूठा है, रब का वादा सच्चा है। बेकरार हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, कहेंगे सब्र कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, अल्लाह के अजाब पे सब्र ही कर लेते हैं, शायद अल्लाह हमें इस सब्र करने के बदले में जहन्नुम से निकाल दे। लेकिन एक अरसा सब्र करने के बाद पुकार उठेंगे, सबर ना, कहेंगे सबर करें, या जज़ेना या शोरो गोगा करें, मालहुम मिन महीस, अब हम यहां से निकलने वाले नहीं हैं। सबर भी काम नहीं आना, लोगों उस दिन से डर जाओ, उस दिन से डर जाओ। अल्लाह ना करे हम में से कोई बंदा वहां पे फंस गया, अल्लाह का कैद खाना है, अल्लाह का कैद खाना है, हम उस कैद खाने में से कैसे निकलेंगे।